हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके साथ क्लास 11 के एनसीईआरटी डिस्कस कर रही हूँ। तो आप सबको पता है ये एनसीईआरटी सुपर इम्पॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सारे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कवर करने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था अबाउट एग्जीक्यूटिव। तब मैंने आपसे ये कहा था कि सब्सिक्वेंटली हम लोग लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5th, यानी कि लेजिस्लेचर। तो याद करिए, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट हाउ पावर इज सेपरेटेड, कैसे पावर का विभाजन किया गया बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हमने देखा कैसे लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। बट ऑब्वियसली लॉज जब तक बनेंगे नहीं तब तक उनके इम्प्लीमेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। एंड दैट इज वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, इज टू मेक लॉज, द हाइएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। तो यही इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं, लॉ बनने का तरीका क्या है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। याद करिए, मैंने आपको कहा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा फीचर है, वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एक्सरसाइज की जाती है वो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। एंड फाइनली पार्लियामेंट खुद को कैसे रेगुलेट करता है इस प्रोसेस में, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, एक एक करके सारे आस्पेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहली बात, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट एट ऑल, हमें पार्लियामेंट की जरूरत थी क्यों है। तो देखिए, आपने बार बार सुना होगा पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग, बट एक बात हम लोग क्लियर कर देते हैं कि लॉ मेकिंग एक फंक्शन है पार्लियामेंट का, इट इज नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी ये सिर्फ अकेला काम नहीं है लेजिस्लेचर का, बट येस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक पोलिटिकल प्रोसेस हैं, चाहे वो डिस्कशन करना हो, डिबेट करना हो, किसी बात पे प्रोटेस्ट करना हो, कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दा बाहर लेकर आना हो, ये सब चीज़ें लेजिस्लेचर में होती है। एंड डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कि डेमोक्रेसी का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है एक कंट्री में, तो वो हमारी पार्लियामेंट है। एक्चुअली पार्लियामेंट किससे बनी हुई है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बनी हुई है, और इस पार्लियामेंट के थ्रू ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। याद कीजिए वो चैप्टर जहां मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये बाय द पीपल वाली डेमोक्रेसी फॉर द पीपल काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये हम किसको देखकर पता लगा सकते हैं, पार्लियामेंट को। एंड ऑब्वियसली डेमोक्रेसी इज अ वेरी वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज वहां पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। और ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है, पार्लियामेंट। नाउ अब सवाल ये बनता है कि क्या लॉ मेकिंग सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा की जाती है। याद करिए, एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हर बिल एक्चुअली ड्राफ्ट किया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव बिफोर इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं और फिर उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। यही कारण है कि कई बार ये भी कहा जाता है दैट एक्चुअली लेजिस्लेचर इज लूजिंग इट्स प्लेस टू एग्जीक्यूटिव। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है मेंस में कि क्या आज की डेट में एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट से ज्यादा पावरफुल हो रहा है। लेकिन कुछ हद तक ये बात ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कितना भी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव हो, अल्टीमेटली उसे अपनी मेजोरिटी लेजिस्लेचर में ही प्रूव करनी पड़ती है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब तक आपके पास वो नंबर्स नहीं है लेजिस्लेचर में, आप सरकार नहीं बना सकते। और अगर आपके पास वो नंबर नहीं है, तो आप कितने भी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, आपकी गवर्नमेंट कोलैप्स कर सकती है। एंड एज स्ट्रॉन्ग एज अ कैंडिडेट यू आर, एज स्ट्रॉन्ग एज अ प्राइम मिनिस्टर यू आर, आपको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। सो द पॉइंट इज, एज मच एज एग्जीक्यूटिव में बिकम इम्पॉर्टेंट, आप पार्लियामेंट की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो ये लाइन जरूर याद रखिएगा, इट इज वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट ही है जिससे हमारी सरकार बनती है, और ये पार्लियामेंट ही है जिससे सरकार गिर भी सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल पर्पसेस में बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास कितने नंबर्स हैं। अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी मेजोरिटी में है तो ये हार्डली पॉसिबल है, बट अगर कोलिशन गवर्नमेंट है या एक मार्जिन पे सरकार बनी हुई है कि नंबर इधर उधर हुआ और सरकार गिर गई,
तो डेफिनेटली ये एक रियल पॉसिबिलिटी है जो पास्ट में हुई भी है. नाउ लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन, हमारी पार्लियामेंट है कैसी, यूनिकैमरल है या बाइकैमरल है? तो देखिए, यूनिकैमरल का मतलब होता है जब आपके पार्लियामेंट में एक ही हाउस होता है. पर हमारे यहाँ पर कैसी लेजिस्लेचर है, हमारे यहाँ पर सरकार लेजिस्लेचर है बाइकैमरल. बाइकैमरल का मतलब क्या हुआ, बाय मतलब टू, कैमरल मतलब हाउस, सो दैट ट्रांसलेट्स टू बाइकैमरल. कैसे है बाइकैमरल, हमारे पास दो हाउसेस हैं, एक है हमारी लोकसभा, एक है हमारी राज्यसभा. लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स. अब अगर मैं स्टेट्स की बात करूं कि स्टेट्स में क्या है मैम, तो देखिए भारत के ज्यादातर स्टेट्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. बट सिक्स स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं, कई एग्जाम्स में पूछा जा भी चुका है. तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, अब आपको पता है कुंभ मेला बहुत बड़ा होता है तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है. अब ये जो सारे स्टेट्स है ना, ये भी बहुत बड़े हैं, एक निमोनिक की मदद से हम लोग इसको याद कर लेंगे. तो इनको मैनेज करने के लिए ना दो हाउसेस की जरूरत पड़ती है. तो जैसे यू नीड मैनेजमेंट फॉर कुंभ व्हेन यू गो एट कुंभ, सिमिलरली यू नीड मैनेजमेंट फॉर दीज स्टेट्स. तो एट कुंभ से आप इसको याद कर सकते हैं, वेयर ए स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश, टी स्टैंड्स फॉर तेलंगाना, कुंभ का के स्टैंड्स फॉर कर्नाटका, यू स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश, एम स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र एंड बी स्टैंड्स फॉर बिहार. तो आपका निमोनिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट कुंभ. इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं. सिर्फ एक एसोसिएशन बना लीजिए कि जैसे कुंभ मेले को मैनेज करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, एट कुंभ जब आप जाते हैं यू नीड मोर मैनेजमेंट, सिमिलरली इन स्टेट्स के लिए आपको क्या चाहिए, दो हाउसेस चाहिए एट कुंभ. ओके, नाउ अगर आप उन देशों में जाएं जो बड़े हैं, जहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहां यूजुअली आपको दो हाउसेस मिलेंगे. अब सवाल ये आता है कि भारत में दो हाउसेस होने का क्या फायदा है. इफ यू लुक एट द एक्सटेंट, भारत का आप एक्सटेंट देखें तो ऑब्वियसली हम ज्योग्राफी में बड़े हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये बिल्कुल एडवांटेजेस रहा कि हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर अपनाया. क्योंकि देखिए सबसे अच्छा फायदा है दो हाउसेस होने का कि अगर एक हाउस ने जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया या उसमें ठीक से डिस्कशन नहीं हुआ या उसमें डिबेट नहीं हो पाई तो वो दूसरी हाउस में हो जाएगी, यानी एवरी डिसीजन विल बी रिकंसिडर्ड. तो आप समझ रहे हैं गलती होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि हर इशू पे डबल चेक होता है. तो वेस्ट में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता, अगर लिया भी गया है तो दूसरा हाउस उसको क्या कर लेगा, रिकंसिडर कर लेगा. सो इफ अ डिसीजन इज टेकन वेरी क्विकली इट कैन बी रिकंसिडर्ड, ये याद रखिएगा. लेट अस टॉक अबाउट राज्यसभा. अब ना आप राज्यसभा जब आप बोलते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब है काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ये बात ध्यान से समझिएगा बिकॉज एक्चुअली राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, राज्यसभा इंडिया के स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जरूर याद रखिएगा. दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ये एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है. इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, आप और हम इस देश के सिटीजन्स डायरेक्टली राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते. तो कैसे होता है इनका इलेक्शन, देखिए हम लोग मिलके अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को चूज करते हैं अपने स्टेट्स के. ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन टर्न राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं. तो हुआ ना इनडायरेक्ट इलेक्शंस, आपने इनको चुना, इन्होंने इनको चुना, एंड दैट इज वाई हम कहते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शंस इनडायरेक्ट है. किसको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये बात याद रखिएगा. अब सवाल ये आता है कि मैम ठीक है राज्यसभा कहीं ना कहीं स्टेट से चुनकर आती है, ये हमें समझ में आ गया, पर किस स्टेट से कितने लोग आएंगे राज्यसभा में बैठने के लिए, ये कैसे डिसाइड होता है. तो देखिए वर्ल्ड ओवर इसके कई तरीके हैं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का पैटर्न फॉलो करते हैं. क्या मतलब है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो जैसे कि अगर एक देश में लेट्स सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिक्स स्टेट्स हैं, ठीक है, तो राज्यसभा में हर स्टेट से दो 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 मेंबर्स आएंगे. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, डज नॉट मैटर. सिक्स स्टेट्स हैं तो हर स्टेट से दो जने आएंगे,
और ये आकर राज्यसभा में बैठेंगे, तो टोटल मेंबर्स राज्यसभा के कितने हो जाएंगे? 12। क्योंकि आपने हर स्टेट को सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दी, आपने ये नहीं देखा कि कौन सा स्टेट ज्यादा पॉपुलेशन का है, कौन सा कम है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, आपने रिप्रेजेंटेशन में सिमेट्री रखी, इसीलिए इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये मेथड यूएसए में फॉलो होता है, जहाँ की हर स्टेट से सेम रिप्रेजेंटेशन आता है सेनेट में, बट इंडिया में ये मेथड यूज नहीं होता। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम लोग कितने लोग राज्यसभा में आकर बैठेंगे ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा वहां से रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम वहां से रिप्रेजेंटेशन कम। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग कि हर स्टेट से कितने लोग आकर राज्यसभा में बैठेंगे? वेरी सिंपल, आप ये देख लीजिए कि वहां की पॉपुलेशन कैसी है। अब देखिए इससे क्या होता है, इससे वो स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है वहां से रिप्रेजेंटेशन ज्यादा आता है। बाय द वे, हमें कौन से स्केड्यूल से ये पता चलता है कि हर स्टेट से कितने लोग आएंगे? यू हैव टू लुक एट द फोर्थ स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आपको सारे स्केड्यूल्स टिप्स पर होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्केड्यूल से। फोर्थ स्केड्यूल में आपको क्या देखने को मिलता है? फोर्थ स्केड्यूल में आपको पता चलता है कि राज्यसभा में कौन से स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे, और ये कौन से बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसीलिए आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा मेंबर्स आते हैं और स्मॉलर स्टेट्स लाइक सिक्किम से बहुत कम आते हैं। एक चीज और याद रखिएगा राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा का टर्म है 6 ईयर्स। अब 6 ईयर्स का क्या मतलब है, इसको समझ देखते हैं। राज्यसभा में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आएगा, मेंबर ऑफ राज्यसभा बनकर आएगा, उसका टर्म 6 ईयर्स होगा, लेकिन राज्यसभा सारी की सारी एक साथ डिसॉल्व नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है, एवरी टू ईयर्स राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं। तो आफ्टर 2 ईयर्स 1/3 मेंबर जाएंगे, उसके बाद 1/3 नए आएंगे, 2 साल बाद पुराने 1/3 जाएंगे, फिर 1/3 नए आएंगे। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। ऑब्वियसली पहली बार बड़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि पहली बार उन लोगों को 2 साल में हटना पड़ा होगा, कुछ लोगों को 4 साल में हटना पड़ा होगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोसेस को सेट करने के लिए लॉटरी निकाली गई थी। लॉटरी क्यों? ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कौन से लोग हैं जो 2 साल में निकल जाएंगे। बट उसके बाद ऑब्वियसली ये पैटर्न अपने आप सेट हो गया। आप थोड़ा सोच के देखिए, जो 2 साल बाद एंटर हुए हैं वो उस हिसाब से 6 साल बाद जाएंगे, ये उस हिसाब से 6 साल बाद जाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, 1/3 मेंबर्स विल रिटायर एवरी 2 ईयर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब राज्यसभा पूरी खाली हो जाए, क्योंकि अगर 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन चल रहा है तो बाकी अभी भी हाउस में है, 2 साल बाद फिर 1/3 का होगा पर बाकी सारे हाउस में बैठे होंगे। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा इज नेवर फुली डिसॉल्व्ड। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और उनको वॉशरूम जाना है, तो टीचर ने बोला सारे एक साथ नहीं जाएंगे, 15-15 मिनट में एक एक बच्चा जाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, है ना। तो द साइकिल विल कंटिन्यू। तो प्लीज रिमेम्बर, राज्यसभा इज नेवर फुली डिसॉल्व्ड, इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। और देखिए अरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी रीजन से कभी लोकसभा डिसॉल्व हो और इलेक्शंस अभी नहीं हुए हो, राज्यसभा फिर भी हमेशा रहेगी। तो अगर कोई अर्जेंट काम है तो आप राज्यसभा को बुला सकते हैं, एंड दैट इज वाई राज्यसभा गिव्स यू दैट परमानेंसी। ये भी बाय द वे राज्यसभा का या सेकेंड हाउस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास एक हाउस है जो हमेशा है, इट इज अ परमानेंट हाउस। बाय द वे बिसाइड्स द इलेक्टेड मेंबर्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा वैसे राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, आई विल आस्क यू हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा प्रेजेंटली। बाय द वे इन मेंबर्स में से 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी तो आपको पता है कैसे आए हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। प्लीज रिमेंबर, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। 12 मेंबर्स ऐसे हैं जो इलेक्शन से नहीं आते, ये प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट से यहाँ पर क्या मतलब है,
इनको चुना नहीं जाता है, इनका नाम सजेस्ट किया जाता है एंड दीज आर प्लेस्ड और दीज आर रेकमेंडेड टू राज्यसभा। ये कौन से लोग हैं? समबडी हु इज डन एक्सेप्शनल इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विस, इन फील्ड्स में अगर किसी ने कुछ एक्सेप्शनल किया है तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं टू राज्यसभा। हाउ मेनी? 12। तो ये था अबाउट राज्यसभा। प्लीज ये पॉइंट्स याद रखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए अब लोकसभा डिस्कस कर लेते हैं, लोकसभा से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो लोकसभा जो कि यूनियन हाउस है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट्स में काम करते हैं, ये दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। राज्यसभा के केस में हमने क्या देखा था, इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि आप और मैं इन्हें चुनते हैं। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। याद करिए मैंने आपको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट समझाया था, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन बराबर आए, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग लोकसभा में सिलेक्ट होकर आते हैं, वन। सो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन, कौन डिसाइड करता है लोग कैसे, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, याद करिए मैंने आपको बताया था वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, सबके पास एक वोट है और हर वोट की वैल्यू बराबर है। इस तरह से एज ऑफ टुडे भारत में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। सो देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बाय द वे आई होप आपको ये बात पता होगी कि हमारे संविधान के हिसाब से इसे रेगुलरली रिवाइज किया जाना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कम या ज्यादा इन एरिया किया जाना चाहिए, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन तो स्टैटिक नहीं है, पॉपुलेशन तो समय के साथ बढ़ती है। तो इवन इन राज्यसभा कितने लोग बैठ आएंगे हर स्टेट से, इट हैज टू बी रिवाइज्ड, बट हमने ये काफी समय से रिवाइज नहीं किया है, अभी तक हम 1971 के सेंसस पे चल रहे हैं। देखिए रीजन ये है कि अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे इसे अपडेट करेंगे, तो अभी हम लोग बहुत सारा फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सो एवरी स्टेट इज एनकरेज्ड कि भैया आप फैमिली प्लानिंग मेजर्स लेकर आओ। इस बीच अगर आप सेंसस के बेसिस पर बढ़ती पॉपुलेशन को रिवॉर्ड करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ जाएगी उस केस से, तो ये तो जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फैमिली प्लानिंग का जो मकसद है वो कहीं रिवर्स में ना चला जाए, उसको इंश्योर करने के लिए हमने इसको स्टैटिक कर दिया है, सील कर दिया है एट 1971 का सेंसस। ओके, अब बात करते हैं लोकसभा की टेन्योर की। तो देखिए लोकसभा का टेन्योर कितना है, 5 years, राज्यसभा का मैंने आपको बताया था 6 years, बट प्लीज रिमेम्बर राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर थी, लेकिन लोकसभा 5 साल पूरे होने से पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है। याद करिए मैंने आपको बताया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर पार्टी के नंबर छूट गए हैं, अगर उनकी कोएलिशन जो पार्टनर्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया है, तो इन सारे केसेस में सरकार गिर जाएगी और 5 years से पहले ही लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाएगा। ऐसा पहले हुआ है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में और फ्यूचर में भी हो सकता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, आखिर पार्लियामेंट करती क्या है? तो मैंने आपको बार बार बताया इट इज द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस पार्लियामेंट का क्या है कि वो लॉज बनाएगी। बट इसमें भी एक कैच है, मैंने आपको बताया आजकल ज्यादातर क्या होता है, जो बिल की ड्राफ्टिंग है वो ऑलरेडी कैबिनेट द्वारा की जा चुकी है अलोंग विद द ब्यूरोक्रेसी एंड मिनिस्टर्स मिलकर लॉ जो ड्राफ्टिंग है वो कर लेते हैं। कब पेश होगा ये भी कैबिनेट द्वारा डिसाइड किया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के कोई बिल पार्लियामेंट में आ जाए। एंड ऑल्सो द पॉइंट, बट स्टिल द पॉइंट इज कि ये लॉ तब तक एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक इसे पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिल जाता। तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत बढ़ गया है लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, पर फिर भी लॉ मेकिंग प्रोसीजर लेजिस्लेचर का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था और हमेशा रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या मिनिस्टर्स ही हमेशा बिल प्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेंबर्स भी बिल प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, मेंबर्स मतलब एवरीबडी हु इज सिटिंग इन द पार्लियामेंट, जो एमपी हैं आपके
पर उनमें से कुछ ही लोग मिनिस्टर्स बन सकते हैं। मैंने आपको बताया था कितने परसेंट, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद हो तो, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो क्या सिर्फ एक मिनिस्टर लॉ प्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, मेंबर्स भी लॉ प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल। लेकिन अगर कोई मेंबर प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, तो उसे बोला जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब देखिए, अगर प्राइवेट मेंबर्स बिल अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी लेकर आ रही है जिसके पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसे बिल डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बट अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मेंबर्स बिल प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल प्रेजेंट करने के लिए आपको मिनिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। बार बार मैंने आपसे कहा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक की फीचर यही है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज अ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, या फिर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये कैसे होता है अभी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। नाउ फाइनेंशियल फंक्शंस, ऑब्वियसली देखिए गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा काम करती है, वो देश के फाइनेंसेस संभालती है। इसके लिए ऑफकोर्स उसको पैसे की जरूरत भी पड़ती है, बिकॉज अगर उसको इतनी सारी वेलफेयर एक्टिविटीज करनी है तो वो बिना पैसे के तो नहीं हो सकती। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? आप और मैं टैक्सेस पे करते हैं, उस टैक्सेस के थ्रू आता है, राइट? या फिर फीस एंड फाइन्स के थ्रू आता है। तो बेसिकली पीपल आर द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई नया टैक्स लेना लेकर आना चाहती है, वो अपने खर्चे किस तरह से करेगी ये डिसाइड करना चाहती है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स बनाएगी ये डिसाइड करना चाहती है, कहाँ से उसके पास पैसा आएगा ये डिसाइड करना चाहती है, ये सब इंश्योर किया जाता है थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड बजट। याद करिए, भारत में जब बजट का माहौल आता है, जब हमारा बजट सेशन होता है, तो बाकायदा बिल्स बजट के प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में, डिस्कस किया जाता है कि नेक्स्ट स्कीम्स क्या होगी, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, ऑल्सो कौन कौन से सोर्सेज होंगे जहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू लेकर आएगी। ऑल दिस इज प्रेजेंटेड इन इन द पार्लियामेंट, एंड ऑल्सो बजट पास होना जरूरी है। अगर बजट पास नहीं किया गया या बजट पास नहीं हो पाया तो सरकार गिर सकती है। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से पार्लियामेंट सरकार के फाइनेंसेस को भी कंट्रोल करती है इन अ ग्रेट मैनर। ऑफकोर्स फिलोसफिकली स्पीकिंग पार्लियामेंट काफी रिप्रेजेंटेटिव भी है। आप देखिए, एक पार्लियामेंट में आपको डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, सोशल बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे। इट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो भारत को जो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अगर कोई चीज बनाती है, वो हमारी पार्लियामेंट है। डिबेटिंग फंक्शंस, ऑफकोर्स इट इज द हाइएस्ट फोरम ऑफ डिबेट। आप कभी जब लोकसभा प्रोसीडिंग्स चल रही हो, राज्यसभा प्रोसीडिंग्स चल रही हो, आप खोल के देखिए, देयर इज नो लिमिट ऑन द पावर ऑफ डिस्कशन। लोग अपनी बात रखते हैं, उन पे डिस्कशन होती है, सरकास्टिक कमेंट्स भी होते हैं, इश्यूज को एनालाइज भी किया जाता है। बिकॉज रिमेंबर, डेमोक्रेसी हम पढ़ कर आए थे, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में डिस्कशन और डेलिब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आप इसे किसी भी रूप में डिनाई नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन से मेरा क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन से मेरा मतलब है द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था, बट मैंने आपको कहा इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, चैप्टर वन में हमने डिस्कस किया था, यानी कि समय के साथ साथ इसमें बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इफ यू वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो उसे कौन चेंज करेगा? उसे चेंज करेगा हमारा पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके। राज्यसभा के पास भी है, लोकसभा के पास भी है, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स दोनों के सेम है, राइट? बट देखिए, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगे आर्टिकल 368, प्रोसीजर मिल जाएगा आर्टिकल 368 में। वहां लिखा है कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं, कौन से के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और 50% स्टेट्स का यस भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट बदल सकते हैं तो अपनी मर्जी से जैसे चाहे बदल ले। जो चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकती हैं वो सिंपल से होंगी, जिसके लिए स्पेशल चाहिए उसके लिए स्पेशल होगी। लेकिन आपको याद रखना है इसमें लोकसभा भी इन्वॉल्व है और राज्यसभा भी इन्वॉल्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इलेक्टोरल फंक्शंस भी पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस याद करिए, लास्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ा के आई हूँ। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस देख लीजिए, दोनों ही इलेक्टोरल फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के। जुडिशियल फंक्शंस, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का इम्पीचमेंट, ये सब कौन देखता है? हमारी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म्स जुडिशियल फंक्शंस। आप रेंज देख रहे हैं, फ्रॉम डिस्कशन, डेलिब्रेशन, लॉ मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू जुडिशियल फंक्शंस। डेफिनेटली पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडियन डेमोक्रेसी में। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कि वो कौन से पावर्स हैं जो सिर्फ लोकसभा के पास है, और वो कौन से पावर्स हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, और कौन से दोनों के पास है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे पावर्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, और राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन देखा गया है, फोकस करिएगा। सबसे बड़ी बात, प्लीज पुट इट इनटू योर हेड कि मनी बिल्स के केस में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा आपको पावरफुल दिखेगी। आई विल टेल यू द रीजन, राज्यसभा मनी बिल को या तो यस कह सकती है या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है। राज्यसभा के पास क्या पावर है? इधर इट कैन से अ यस, और इट कैन सजेस्ट कि नहीं नहीं ये हमें बदलना चाहिए। अगर वो अमेंडमेंट्स माने जाए तो भी ठीक, नहीं माने जाए तो भी ठीक, राज्यसभा इसमें कोई से नहीं रखता है। ऑल्सो रिमेंबर, अगर राज्यसभा किसी मनी बिल पर एक्शन नहीं ले रही और 14 डेज हो गए हैं, तो आफ्टर दिस 14 डेज दिस मनी बिल इज कंसिडर्ड टू बी पास्ड। आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि मनी बिल्स के केस में लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। सिंपली लॉजिक है, देखिए, लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल, राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो बॉडी डायरेक्टली इलेक्टेड है, डेफिनेटली उसके पास इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी से ज्यादा पावर होंगे। क्यों? क्योंकि हम कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस कर रहे हैं, याद करिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बजट के केस में भी किसके पास ज्यादा पावर होंगे? लोकसभा के पास, सिंपली बिकॉज बजट इज ऑल अबाउट मनी। देन टू कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आप कहां पर सिर्फ और सिर्फ पेश कर सकते हैं? लोकसभा में। व्हाई? बिकॉज रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बहुत पावरफुल बात बोली थी दैट दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मैंने आपसे कहा था दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहां पर आ सकता है? लोकसभा में। देन ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में देखिए ऐसा है कि दोनों हाउसेस से आपको चाहिए होता है। व्हेन यू आर प्रोक्लेमिंग एन इमरजेंसी, बेसिकली देखिए इमरजेंसी प्रोक्लेम तो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, बट उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल चाहिए होता है। जिस दिन आपने इमरजेंसी डिक्लेयर की है उसके एक महीने के अंदर अंदर, 1 month के अंदर अंदर, यू नीड टू गेट इट अप्रूव्ड। उस केस में इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा ऑल्सो एंड राज्यसभा ऑल्सो। ऑब्वियसली इसके अलावा, मनी बिल के अलावा जो भी बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं, कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पास होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में को इक्वल पावर्स हैं। लोकसभा के पास भी वही पावर है, राज्यसभा के पास भी वही पावर है। राज्यसभा सवाल कर सकती है, मोशंस इंट्रोड्यूस कर सकती है। जब हम प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के पास सेम पावर है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए भी एक स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास, याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल इनिशिएट सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो सकता है? राज्यसभा में हो सकता है, इसका इनिशिएशन लोकसभा में नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। राज्यसभा कैन ओनली, इट इज द ओनली बॉडी विच कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को इनिशिएट नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद करिए, मैंने आपको बताया था हमारे पास एक स्केड्यूल है, 7th schedule, जिसमें हमारे पास एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। अब अगर यूनियन गवर्नमेंट किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हो, यानी कि वो अभी तक किसके पास है? स्टेट के पास है, उसको उस पर लॉ बनाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा रहेगा, तो इसका अप्रूवल उसको किससे लेना पड़ेगा? राज्यसभा से। ये तो बहुत लॉजिकल है, बिकॉज रिमेंबर राज्यसभा क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। तो
तो अगर आप स्टेट लिस्ट को छू रहे हैं, आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना रहे हैं, तो आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? राज्यसभा का। थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाते रहेंगे ना तो चीजें याद रखना आसान हो जाती है। बाय द वे, मनी बिल कौन से आर्टिकल से आता है? 110। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब बात करते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगेन मैंने क्या बोला, अगर यूनियन पार्लियामेंट चाहती है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कुछ छेड़छाड़ करने वाली है, बिकॉज स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अधिकार किसका है? स्टेट लेजिस्लेचर का। वो चाहती है कि उसको या तो वो यूनियन लिस्ट में डाल दें या कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें। क्यों? क्योंकि ये देश के लिए सही है, तो उसके लिए उसको अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा? राज्यसभा का। इसमें लोकसभा का कोई रोल नहीं होगा। यूज योर ब्रेन, यूज योर लॉजिक। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज राज्यसभा इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स। ऑब्वियसली देखिए, राज्यसभा में वैसे टेक्निकली यू शुड बी रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, पर हम देखते हैं दैट पीपल एंड अप रिप्रेजेंटिंग पार्टीज ओनली, विच इज ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, लोकसभा के पास कोई ऐसा पावर है क्या? बिल्कुल। मनी बिल याद कीजिए, राज्यसभा मनी बिल को या तो येस कह सकती है या ज्यादा से ज्यादा कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है। वो ना तो मनी बिल को इनिशिएट कर सकती है, यानी मनी बिल वहां से शुरू नहीं हो सकता, ना ही उसे मना कर सकती है, ना ही खुद अमेंड कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट का प्रपोजल दे सकती है, याद रखिएगा। और ये लाइन बिल्कुल मत भूलिएगा, लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ है? लोकसभा की तरफ है, राज्यसभा की तरफ नहीं है। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, लॉजिक लगाइए, कहाँ पर आएगा? लोकसभा में। इफ यू रिमेंबर इट लॉजिकली, आप भूलेंगे नहीं। तो देखा जाए तो राज्यसभा कैन एक्चुअली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बट उसे हटा नहीं सकते, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन आप कहाँ पास कर सकते हैं? सिर्फ लोकसभा। इसका भी देखिए लॉजिक है, मैंने आपसे कहा राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो बॉडी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है डेमोक्रेसी में, डेफिनेटली उसके पास ज्यादा पावर होने चाहिए। और हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ जाकर बैठते हैं? लोकसभा में। बट ऑफकोर्स इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के पावर्स को इक्वल है। ज्यादातर लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में गलती करते हैं, पर आप याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दोनों के पास पावर्स हैं बराबर। लोकसभा एंड राज्यसभा हैज को इक्वल पावर्स व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, आई होप आपने ध्यान से सुना। अगर ध्यान थोड़ा उधर उधर हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करके सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना। ओके, बाय द वे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आर द वीडियोस हेल्पिंग यू। आप लोग थोड़ा बताएंगे, फीडबैक देंगे तो दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। मुझे पता लगता रहता है कि आपको चैप्टर समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऑल्सो इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू आर चैनल अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डेफिनेटली ओपन फॉर फीडबैक्स। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। How does the parliament make law? अगला सवाल, ठीक है मैम, बार बार आपने बोल दिया लॉ बनाती है, लॉ बनाती है, कैसे बनाती है तो बताइए। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द लॉ मेकिंग प्रोसीजर विद अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम जो हमें एनसीईआरटी बताता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, बिल जब अपने ड्राफ्ट स्टेज, एक्ट जब अपने ड्राफ्ट स्टेज में है, यानी अभी तक वो पास नहीं हुआ है, तब हम उसको बिल बोलते हैं। पास हो जाने के बाद हम उसको एक्ट बोलते हैं। जब तक पास नहीं हुआ तब तक बिल, जब पास हो गया तब एक्ट। सबसे पहले क्या होगा? उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर मनी बिल है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब देखिए दो तरीके हैं इसके बाद, या तो आप उसे डायरेक्टली हाउस में डिस्कस कर लीजिए, या कभी कभी इस बिल को कमिटी के पास भेजा जाता है। कमिटी देखिए बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बनाया गया है लोकसभा और राज्यसभा के बर्डन को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो हर मुद्दे पे सारी लोकसभा नहीं आ सकती, हर मुद्दे पे सारी राज्यसभा नहीं आ सकती, या राज्यसभा और लोकसभा तभी बैठते हैं जब हाउस ऑफ द सेशन चल रहे होते हैं। तो क्या होता है, इस बड़ी सी लोकसभा और बड़ी सी राज्यसभा में से कुछ लोगों को मिलाकर एक कमिटी बना ली जाती है। तो उसमें से कुछ लोग ऑपोजिशन के होंगे, कुछ लोग रूलिंग पार्टीज के होंगे,
इट्स काइंड ऑफ अ मिनी पार्लियामेंट जो इन इश्यूज को उठाकर डिबेट डिस्कशन स्क्रूटनी करती है. तो या तो आप डायरेक्टली उसको हाउस में प्रेजेंट कर देते हैं या पहले आप उसको कमिटी के पास भेजते हैं. कमिटी उसको स्टडी करती है, रिसर्च करती है, कभी कभी वेबसाइट पे भी डाला जाता है ड्राफ्ट कि लोगों से पूछा जाए व्हाट आर पीपल्स इनपुट, लोग अपने इनपुट भी देते हैं और फिर कमिटी अपनी रिपोर्ट को हाउस के पास प्रेजेंट करती है. हो सकता है हाउस कमिटी की रिपोर्ट को माने, हो सकता है हाउस कमिटी की रिपोर्ट को ना माने. अब होता है बिल पर डिटेल्ड डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स, क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग, डेलिब्रेशन, डिबेट, एवरीथिंग. फिर होती है उस पर वोटिंग. अब या तो वोटिंग में बिल एक्सेप्ट होगा या तो फिर रिजेक्ट होगा. अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसे दूसरे हाउस में भेजा जाता है. अब दूसरे हाउस में भी वही प्रोसीजर देखिए फॉलो होगा, राइट? अब दूसरा हाउस या तो उसे हाँ कहेगा या उसे ना कहेगा. अगर मनी बिल के केस हो रहा है तो वो अपनी रिकमेंडेशन दे देगा. देखिए, अगर कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी तरीके का मतभेद चल रहा है किसी बिल को लेकर और ये ज़रूरी है कि ये लोग साथ आए उसको सॉल्व करने के लिए, दे शुड कम टुगेदर, तो एक और प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट. जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या है? राज्यसभा भी और लोकसभा भी दोनों आकर साथ में बैठती है, इसीलिए उसको बोलते हैं जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. क्वेश्चन पूछते हैं, जॉइंट सेशन हो गया तो इसको प्रिसाइड कौन करेगा? हु वुड प्रिसाइड द जॉइंट सेशन, मतलब कौन बैठेगा जॉइंट सेशन का हेड बन के? तो हु इज द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? रिमेंबर, इट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा. जॉइंट सेशन को चेयर कौन करता है? स्पेशल स्पीकर ऑफ लोकसभा. इसके बाद जब लोकसभा ने भी पास कर दिया बिल को, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तब वो जाता है प्रेसिडेंट के पास. अगर प्रेसिडेंट भी उसको हाँ बोल देते हैं तभी ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो पाता है. प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का. जब भी आपसे कोई पूछे पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूडेड है, कभी मत भूलिएगा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. व्हाई प्रेसिडेंट? क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. याद रखेंगे हम इस बात को. तो ये था लॉ मेकिंग प्रोसीजर. कौन कहता है प्रोसीजर आसान है? डेफिनेटली बड़ा डिटेल्ड है. मैंने आपको बताया बिल क्या होता है, जो ड्राफ्ट है ना कि हम ऐसा लॉ चाह रहे हैं, उसकी जो ब्लूप्रिंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बिल. नॉन मिनिस्टर प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या मैंने आपको बताया था. अगर आप मिनिस्टर नहीं भी हैं, सिर्फ मेंबर हैं, तो भी आप बिल लेकर आ सकते हैं. ऐसे बिल को बोला जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल. अगर मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल. यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गया है, दो तरीके के बिल्स हैं, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल. अगर मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट बिल, अगर सिर्फ मेंबर लेकर आ रहे हैं तो प्राइवेट मेंबर्स बिल. अगेन, मनी बिल भी हो सकता है गवर्नमेंट बिल, नॉन मनी बिल भी हो सकता है. नॉन मनी बिल है तो वो या तो ऑर्डिनरी बिल होगा या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने वाला बिल होगा. कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने वाला बिल, रिमेंबर दैट मीन्स इट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के पास को इक्वल पावर्स है. आई होप दैट इज मेकिंग सेंस टू यू. प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर. टाइप्स ऑफ बिल, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, नॉन मनी बिल, मनी बिल, नॉन मनी बिल विल फर्दर बी डिवाइडेड इंटू ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ओके, एक क्वेश्चन और बनता है कि कैबिनेट का कितना बड़ा रोल है इस पूरे लॉ मेकिंग प्रोसीजर में. बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है. क्यों? क्योंकि देखिए, इवन बिफोर द ड्राफ्ट कम्स टू द पार्लियामेंट, पहले तो वो कैबिनेट के पास जाता है. पहले तो कैबिनेट डिसाइड करती है कि क्या ये ऐसा बिल आना चाहिए, आएगा तो कैसा दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल है जो मैरिजेबल एज लड़कियों की 18 से बढ़ा के 21 कर रहा है, तो उसको कोई प्रिपेयर तो करेगा. कौन प्रिपेयर करेगा? लॉ मिनिस्ट्री करेगी या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो इवन बिफोर द बिल रीचेस द पार्लियामेंट, इट इज एक्चुअली मेड बाय द कैबिनेट. इसीलिए ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है. Then of course it can be introduced in Lok Sabha or it can be introduced in Rajya Sabha either by the member or by the minister. अगर minister कर रहे हैं तो it becomes a government bill. अगर सिर्फ एक member कर रहे हैं जो कि minister नहीं है, then it becomes a private member bill.
मैंने आपको कमेटी की इम्पोर्टेंस भी बताई, क्योंकि देखिए बार बार पूरी पार्लियामेंट आकर नहीं बैठ सकती है, क्योंकि बार बार आप पूरी पार्लियामेंट को नहीं बुला सकते, इसीलिए व्हाट यू डू इज यू काइंड ऑफ मेक अ स्मॉलर पार्लियामेंट, जिसमें आप जो है डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करते, मिनिएचर लेजिस्लेचर टर्म यूज़ करा है एनसीईआरटी ने, ताकि जल्दी से काम हो सके, बार 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 आपको जो है एक लंबे डिस्कशन में नहीं फंसना पड़े। नॉन मनी बिल की अगर हम बात करें तो मैंने आप पहले ये चीज़ बता दी है कि दोनों के पास सेम पावर्स हैं। मनी बिल में ऑफकोर्स राज्यसभा के पावर्स लिमिटेड हैं, या तो हाँ बोल सकती है या फिर अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है। ज्वाइंट सेशन में मैंने आपको बता दिया, ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा साथ आकर बैठेंगे, कौन यहाँ पर प्रिसाइड करेंगे, स्पीकर करेंगे, ठीक है, कोई डाउट मत रखिएगा इस पर। अच्छा बाय द वे, क्या लगता है आपको, अगर दोनों साथ आ रहे हैं तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं अपनी बात मनवाने के? ऑब्वियसली लोकसभा के, क्योंकि जब वोटिंग होगी तो नंबर्स तो लोकसभा के पास ही ज़्यादा हैं। तो इवन इफ इट इज ज्वाइंट सेशन, अल्टीमेटली अगर कोई प्रॉब्लम है दोनों के बीच में तो जीतता कौन है? लोकसभा ही जीतती है बिकॉज ऑफ द नंबर, सारा गेम नंबर का है। आप भी तो नंबर्स के लिए भाग रहे हैं। द मोर द नंबर इन मेंस, द मोर बेटर द पोजिशन, द मोर द नंबर इन प्रीलिम्स, द मोर चांसेस ऑफ क्लियरिंग। तो वही वाला गेम है, ये लोग भी सारे नंबर का गेम है। राज्यसभा में मैंने आपको बता दिया ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, उसमें आप अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, वरना 14 डेज में तो उसको पास समझ लिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये कहाँ से मिलता है हमें, 109 से क्लियरली लिखा है, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कोई डाउट मत रखना, लॉ आपका बिल, लॉ एक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक उन्हें प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली हुई। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बहुत जरूरी है, नो डाउट्स अबाउट दैट। ओके, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? फिर से वही बात कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट हैज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, बट द क्वेश्चन इज ये कैसे होगा, हाउ वुड द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? तो अभी हमने देखा कि देखिए एग्जीक्यूटिव धीरे धीरे बहुत पावरफुल होता जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम एग्जीक्यूटिव को अपने लिमिट्स में रख सकें। डेफिनेटली है, देखिए नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर वट एवर द मेंबर मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनको कई सारा एम्पावरमेंट दिया गया है, और उसमें से एक एम्पावरमेंट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस सेंस में कहते हैं कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे वो कमेटी का पार्ट हो तब वो कुछ कह रहे हों, चाहे वो हाउस में कुछ कह रहे हों, आप उन्होंने जो कहा उस बात को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। उस हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी अगर स्पीकर है तो स्पीकर, या राज्यसभा का केस है तो अगर चेयरपर्सन है, वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने इस प्रिविलेजेस को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। ऐसी कई सारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमारे पार्लियामेंटेरियंस को मिली हुई हैं। क्यों? ताकि वो एम्पावर्ड रहें। रिमेंबर दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अगर वो एम्पावर्ड होंगे तभी वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रख पाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। सवाल कीजिए, क्वेश्चन आर है, जीरो आर है, इन सब में क्वेश्चन किया जाता है टू द पीपल, टू द मिनिस्टर्स, आप ये बिल क्यों लाए, ये बिल क्यों नहीं आया, इस बिल में क्या प्रॉब्लम थी। कट मोशंस लगाए जाते हैं, हम आपकी किसी पॉलिसीज से सहमत नहीं है, लेकिन देर इज नो एंड टू डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। और इस डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन से डेफिनेटली आप वो मुद्दे लाइमलाइट में लेकर आ सकते हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे मैम डिस्कशन से क्या होता है, अगर कोई बात डिस्कस की गई है लोकसभा में तो उसके बारे में लोगों का ध्यान भी आकर्षित होता है। लेट से देर इज अ बिल दैट शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस, अ गवर्नमेंट उसको नहीं लेकर आ पाई है, सो इवन दैट कम्स इनटू पिक्चर, वो लोगों को सुनाई देता है। एंड देर आर सो मेनी वेज थ्रू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डू इट। आपने देखा होगा वेल ऑफ द हाउस में चले जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, तो कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि यार ये लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बट इसको हमें थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। इसमें से सब कुछ टाइम वेस्ट नहीं है, ऑफकोर्स कई बार हम देखते हैं ओवरडू हो जाता है, बट ये वो तरीके हैं जिससे सरकार पर प्रेशर डाला जाता है। बिकॉज रिमेंबर हमें एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी तो इंश्योर करनी ही पड़ेगी। देखिए सबसे अच्छा तब होता है जब हमारे पास अच्छा ऑपोजिशन हो। अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक अच्छा क्या ऑपोजिशन ही नहीं है। तो अनलेस अच्छे की तो बात दूर की है, फिलहाल तो हमारे पास ऑपोजिशन ही नहीं है। तो ऑल दिस इज प्रैक्टिस्ड ओनली व्हेन यू हैव अ गुड ऑपोजिशन। देन लॉज को अप्रूव करना, आप कितना भी अच्छा बिल ड्राफ्ट कर लीजिए अपने कैबिनेट में बैठकर,
वो लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक उसको पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती। ऑब्वियसली अगर सरकार के पास मेजोरिटी है तो बिल पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट है और आप ऐसा कोई बिल लेकर आए हैं जिससे सारे लोग सहमति नहीं रखते, तो बिल रिजेक्ट भी हो सकते हैं और बिल रिजेक्ट हुए भी हैं। रिमेंबर वी हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हो सकता है किसी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन उसे राज्यसभा पास नहीं कर पाई। फाइनेंशियल कंट्रोल, हम देखते हैं बजट एक सबसे बड़ा तरीका है। बजट बनाना और बजट पास कराना गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये याद रखिएगा। अगर गवर्नमेंट बजट पास नहीं करा पा रही, उनका बजट पास फेल हो गया, बजट फेल हो गया, तो उस केस में गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। एंड रिमेम्बर, नो मनी कैन बी स्पेंड फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से पूछे बिना, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना पैसे नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि ये पैसे लोगों के हैं। और अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, वी बाकायदा हैव मैकेनिज्म्स फॉर इट। वी हैव CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वी हैव पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इनका काम ही ये है कि ये बजट पैसों की जो लेन देन हुई है उसको ऑडिट करें, उसको चेक करें, उसमें गड़बड़ियां हैं तो पार्लियामेंट के सामने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करें। तो कहीं ना कहीं आप इससे एक टाइट हैंड रख सकते हैं ऑन द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर एक पैनी निगाह रखता है ऑन द फाइनेंसिस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली नो कॉन्फिडेंस मोशन, द मोस्ट पावरफुल टूल टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू सिंपली क्या करती है, अपने नंबर्स प्रूव करती है कि हमारे पास मेजोरिटी है। अगर देखिए सरकार मेजोरिटी से आई है, जैसा कि पिछले कुछ समय से हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है, मिलीजुली सरकार है, उस केस में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि आपके पास नंबर्स नहीं है, तो सरकार गिर सकती है और सरकार गिरी भी है। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में। ऑफकोर्स है, कई बार हम देखते हैं कोरम ही पूरा नहीं होता। कोरम मतलब मिनिमम मेंबर्स हु शुड बी देयर टू स्टार्ट द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। सेशंस को बॉयकॉट किया जाता है, हमारे पास अच्छा ऑपोजिशन नहीं है। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कितनी सारी चीज़ें वॉइस वोट से पास कर दी गई। वॉइस वोट मतलब रियल वोटिंग नहीं हुई, सिर्फ ऐसा बोला जाता है दोज इन फेवर से आए एंड दोज इन अगेंस्ट से नो। तो आवाज के बेसिस पे, वॉइस वोटिंग के बेसिस पे कई सारे बिल्स पास किए गए जो डेफिनेटली बहुत डेमोक्रेटिक नहीं था। कई सारे ऐसे बिल्स थे जिसपे अच्छे से डिस्कशन नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। स्पीकर हमारे यहाँ पर कितने पावरफुल हैं, कितना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लोग किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन किस तरीके की प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का ओपिनियन क्या है, क्या वो सिर्फ पार्टी लाइंस पे सोचती हैं या देश के लिए सोचती हैं। देखिए, एक्चुअली इन बातों से डिसाइड होता है द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो इट्स नॉट जस्ट कि पार्लियामेंट बना हुआ कैसे है या उसका काम करने का थ्योरी क्या है, बट प्रैक्टिस में वो कैसे काम कर रहा है, दैट इज वॉट डिटरमाइंस एवरीथिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फाइनली द चैप्टर एंड्स विथ व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। देखिए, मैंने आपको समझाया था पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई क्यों जाती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के पास इतना सारा काम है, वॉल्यूम्स ऑफ वर्क है, हर बात के लिए आप पूरी पार्लियामेंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, वो काम जो पार्लियामेंट डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकती, उसके लिए आप कमिटी बना देते हैं। कमिटी मतलब एक छोटा लेजिस्लेचर जिसमें आप उस हाउस के अलग अलग पार्टी मेंबर्स को एक एक दो दो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलाकर बिठाते हैं और अब ये जो है डिस्कशन करेंगे, डेलिब्रेशन करेंगे, इश्यूज पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड एक जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दो तरीके की कमिटीज हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज, खड़ी रहती है ना, बैठती नहीं है, यानी ये हमेशा रहती है। स्टैंडिंग कमिटी मतलब ये हमेशा रहेंगी, तो ये उन इश्यूज पे हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं, कल भी रेलेवेंट हैं, परसों भी रेलेवेंट रहेंगे। देन कुछ होती है एडहॉक कमिटीज। एडहॉक मतलब टेम्पररी, ये उन इश्यूज पे बनाए जाते हैं जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे ही वो इशू खत्म हो गया ये कमेटी खत्म हो जाएगी। तो जो इशू बेस्ड कमेटी उसको हम एडहॉक बोलते हैं, जो कमेटी हमेशा रहेगी उसको हम स्टैंडिंग कमिटीज बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये स्टडी करती हैं, इंटेंस रिसर्च करती हैं। आज हमारे पास कई सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं, डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमिटीज हैं,
बजट देखना, एक्सपेंडिचर देखना, किस तरह से खर्चा हो रहा है, कहाँ बचाया जा सकता है, ये सब ये कमिटीज देखती हैं। वी इवन हैव जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ताकि अगर किसी बिल पर हमें जो है सहमति नहीं बन पा रही तो मे बी पीपल फ्रॉम बोथ द हाउसेस कैन कम टुगेदर, जैसे जॉइंट कमिटी टू डिस्कस सर्टेन बिल, कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, कभी कभी आपको किसी मुद्दे पे डिस्कशन करना है, तो जॉइंट, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें लोकसभा से भी मेंबर्स आते हैं और राज्यसभा से भी मेंबर्स आते हैं। देखिए कुछ कमिटीज होती हैं सेलेक्ट कमिटी, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, एक तो हो गई थी आपकी स्टैंडिंग कमेटी, एक हो गई थी आपकी एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग मतलब जो ऐसे इश्यूज पे है जो हमेशा से रेलेवेंट रहे हैं, आगे भी रेलेवेंट रहेंगे। एडहॉक मतलब जो किसी पर्टिकुलर इशू पे आती हैं और फिर चली जाती हैं। सेलेक्ट कमेटी मतलब जो सिर्फ और सिर्फ, या तो सिर्फ उसमें राज्यसभा से मेंबर्स हैं या सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स हैं। जॉइंट मतलब कुछ मेंबर्स लोकसभा से हैं और कुछ मेंबर्स राज्यसभा से हैं, याद रखिएगा। देखिए कमेटी ने ना जो पार्लियामेंट का बर्डन था उसको डेफिनेटली कम कर दिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स किसको रेफर किए जाते हैं, कमिटी को, बट डेफिनेटली इस सबके बाद भी फाइनल अप्रूवल पार्लियामेंट का ही है, ये बात याद रखिएगा। पार्लियामेंट चाहे तो कमिटी के दिए गए रिकमेंडेशन को ना भी कर सकती है, बट यूजुअली जो कमिटी से बात आती है उसको पार्लियामेंट द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जाता। फाइनली हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, पार्लियामेंट खुद को भी तो रेगुलेट करती है, कैसे करती है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ना हर चीज़ बहुत क्लियरली लिखी हुई है, लोकसभा के पावर ये हैं, राज्यसभा के पावर ये हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ को लेकर इशू आता है कि हाउस कैसे काम करेगा, हाउस की प्रोसीडिंग्स कैसे होगी, हमारे पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी है। लोकसभा के केस में हमारे पास हमारे स्पीकर साहब हैं और राज्यसभा के केस में हमारे पास हमारे चेयरमैन हैं। सो डेफिनेटली वी हैव प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स टू टेक केयर ऑफ दैट। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या करते हैं, इन मेंबर्स का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है डिफेक्शन, इसको हम बोलते हैं दल बदलना। भारत में ये प्रॉब्लम काफ़ी देखी गई थी। देखिए दल बदलने का मतलब क्या है, डिफेक्शन का मतलब क्या है, आप किसी एक पार्टी से टिकट, पार्टी के टिकट पे जीत गया है, सेलेक्ट हो जाने के बाद आप दूसरी पार्टी में चले गए, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो भैया ये डिसाइड किया गया कि हमें ना इसके लिए प्रॉपर रूल्स बनाने पड़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया बाय, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, और हमें मिला हमारा 10th स्केड्यूल। इस पे पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, 52nd अमेंडमेंट 1985, 10th स्केड्यूल, जिसमें बाकायदा जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन, यानी कि लॉज बनाए गए किसको डिफेक्शन माना जाएगा, अगर डिफेक्शन पाया गया तो क्या सजा दी जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें एक बार अमेंडमेंट भी आया, देखिए 1985 के बाद 91st अमेंडमेंट 2003। तो पहली बार कब लेकर आया, 1985 में, कौन से अमेंडमेंट से, 52nd अमेंडमेंट से, ईयर क्या था, 1985। इसमें एक बार और बदलाव आया बाय 91st अमेंडमेंट, ईयर क्या था, 2003। और फाइनली अगर पता चलता है कि डिफेक्शन हुआ है तो इसका डिसीजन फाइनल किसके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर एंड योर चेयरमैन, बाकायदा आपको डिबार कर दिया जाता है, यू देन सीज टू बी, यू नो यू आर नो लॉन्गर द मेंबर ऑफ द हाउस। तो हमें एक बात समझ में आ गया है, पार्लियामेंट ना हमारा बड़ा ब्यूटिफुल रेनबो है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, बट उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं। एट द एंड ऑफ द डे लेजिस्लेचर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, रिमेंबर वाई, बिकॉज इट इज दैट ऑर्गन विच रिप्रेजेंट्स अस। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको पार्लियामेंट में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, यू शुड लुक इनसाइड, कहीं ना कहीं हमारे में भी कुछ प्रॉब्लम होगी। सो पार्लियामेंट बींग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, आई होप आपको समझ आया। प्लीज़ इसको एक बार वापस देख लीजिएगा टू गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, सी यू।